योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और वैसे तो छह पैरों के लिए है, छह हाथों के लिए है, या छह कमर से नीचे, छह कमर से ऊपर, है ना। सो पहला वाला, पैरों को सीधा कर लीजिए और सबसे पहले थोड़ा हिला डुला के ना पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत देर तक जब हम बैठ के प्राणायाम करते हैं ना तो हमारे पैर सो जाते हैं, नम हो जाते हैं, तिमिर आ जाता है। कोई लोग बोलते हैं मुंगिया आना, मराठी में बोलते हैं मुंगिया आना, मुंगिया बोले तो चींटी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, ऐसे में कांटे चुभने जैसा थोड़ा दर्द होता है और ऐसा लगता है कि पैर बड़ा बड़ा हो गया है ना। ऐसे कर लेने से आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो गया तब पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट करना है और अब आपका एक्सरसाइज तो शुरू होता है पहला वाला। सो पहले क्या करेंगे हम ना, पैरों को अंदर की तरफ इतना मोड़ेंगे कि कम से कम दोनों पैर के अंगूठे आपस में चिपक जाए, ठीक है। फिर बाहर की तरफ, इसमें घुटने नहीं मोड़ने, ठीक है ना। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये, खास तौर से लिगामेंट्स के लिए। यस, आउटसाइड इनसाइड, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इसको 10-20-25 बार रोज कर लेना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, इसे फास्ट कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, और अगर दर्द है तो धीरे धीरे कीजिए, ठीक है ना। इसको 20-25 बार अगर आप रोज करते हैं आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और पैर की उंगलियों को कस के मोड़ना है और पूरी तरह खोलना है ना। यूं समझ लीजिए कि उंगलियों को आगे की तरफ मोड़िए और पीछे की तरफ खींचिए, अपनी तरफ खींचना है ना। जितना खींचेंगे उतना ही लाभ होगा। यस, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे, क्रंच रिलीज। यस, बंद कीजिए, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे पैर की उंगलियों को मोड़ने का प्रयास करना है और पीछे की तरफ खोलिए। यस, इसको भी 10-20-25 बार आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द है थोड़ा ज़्यादा करना है, 1, 2, 3 ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं, जिसको दर्द नहीं है वो फास्ट फास्ट कर सकते हैं, यंगेस्टर फास्ट कर सकते हैं, बुजुर्ग थोड़ा धीरे धीरे करें, ठीक है ना। 10-20-25 बार इसको कर लेंगे तो ये भी आपके घुटने को बहुत स्वस्थ रखेगा, ठीक है। फिर सांस लेते हुए पैर के पंजे को आगे की तरफ प्रेस कीजिए और सांस छोड़ते हुए पीछे खींचिए। ये कितने नंबर का एक्सरसाइज है? 3 नंबर का है ना। सो एक्सेल, इनहेल, जब सामने दबाएंगे एंकल के ऊपर दर्द होगा, खींचेंगे तो कॉफ मजल में दर्द होगा, है ना, पिंडलियों में दर्द होगा। इनहेल एक्सेल, पुश पुल, पुश पुल, पुश पुल, पुश। ये एडी के दर्द को, एंकल के दर्द को, कॉफ मसल में स्टिफनेस रहता है उसको, और आपके नी पेन को, इवन थाई पेन को भी कम करता है। सो प्रेगनेंसी में भी इसको आराम आराम से किया जा सकता है, प्रेगनेंसी में भी इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी थाई पेन बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है। नाउ प्रेस योर टोस, चौथे नंबर का एक्सरसाइज, रोटेट योर
फीट, बड़ा शून्य बनाने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। यस फाइव। इसमें कई लोग क्या करते हैं ना, झटका देते हैं। झटका बिल्कुल नहीं देना, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। जितना बड़ा शून्य बनाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। सो घुटने के दर्द में इस एक्सरसाइज का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना। आराम आराम से इनहेल एक्सेल, सांस लीजिए और रिवर्स रिवर्स। जितना आप क्लॉकवाइज करते हैं ना उतना ही आपको एंटी क्लॉक करना है, ये ध्यान रहे। और इसीलिए हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज करो काउंट करके करो, गिनती के साथ करो, 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो, 25 बार करो, लेकिन गिन के करो। जितनी बार सीधे से करेंगे उतनी ही बार उल्टी तरफ से करना है। सीधा का मतलब क्लॉकवाइज, उल्टा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यस नाउ क्लैपिंग। अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन होता है, पहले हमने पैर दूर रख के हिलाया था और यहाँ पे हमको नज़दीक रख के ऐसे दोनों पैरों को आपस में टकराना है, क्योंकि जो भाग आपस में टकरा रहा है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्टर पॉइंट है। और इसलिए जब आप इसको करते हो तो आप अंदर से एक्टिवेट हो जाते हो। इस तरह से ताली बजाओ, आपकी पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी आप 20-25 बार रोज कर लिया। नाउ रब योर हील। अब अगर आपके एड़ियों में दर्द है ना, तो आप वन बाय वन एक एक पैर से ना अच्छे से ऐसे ऐसे रगड़ना है, ठीक है। थोड़ा बीच में, थोड़ा साइड से भी, लेकिन ये बेड सीट पे रगड़ना है, मैट पे नहीं रगड़ना, नहीं तो मैट खराब हो जाएगा और ज़्यादा गर्म होके एड़ी के पास फोड़े जैसा हो जाएगा। इसलिए बेड सीट पे करो, जितना बेड सीट पे करेंगे, दरी पे कीजिए, कालीन पे कीजिए। हाँ, तो आपके एड़ी के दर्द के लिए, हील पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ ये आपका घुटना भी आप पटक रहे हैं ना, तो ये घुटने के दर्द को भी अच्छा करेगा। घुटने में जमा हुआ यूरिक एसिड भी स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, जो कांटे की तरह घुटने में चुभ रहा था, पत्थर की तरह चुभ रहा था, वो चुभना बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पैर से भी थोड़ा कर लीजिए, इतना तो करो कि आपका एड़ी गर्म हो जाए। उसको घुमा घुमा के कर लीजिए, थोड़ा अंदर से, थोड़ा बीच में, थोड़ा दूसरी साइड से। ये एड़ी के दर्द के लिए और घुटने के दर्द के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। घुटने में दर्द है तो ज़्यादा जोर से नहीं पटकना है, अगर घुटने में दर्द नहीं है तो थोड़ा जोर जोर से पटक सकते हैं। बच्चे जोर से पटक सकते हैं, हम बचपन में एक गेम खेलते थे है ना, उसमें यही था। आजकल के बच्चे तो वो सब गेम, पारंपरिक गेम खेलना ही बंद कर दिए, खाली फोन का गेम खेलते हैं, पागल बना के रख दिया फोन ने दुनिया को, ठीक है। दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलो आज 10 ही बार, ठीक है। अब यहां से बढ़ेंगे आगे। तो क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड करके दोनों हाथों से ना ऐसे लॉक कर लीजिए, बस एक लंबा गहरा सांस लीजिए और पैर को सीधा कीजिए। देखिए आपके घुटने में दर्द होगा, थोड़ा एंजॉय कीजिए दर्द के साथ, है ना। आपको हंसी आ रही होगी, गुरुजी दर्द के साथ एंजॉय करो बोल रहे। हाँ, एंजॉय करोगे तो ही दर्द खत्म हो जाएगा। और धीरे से छोड़ दीजिए, फिर से एक बार इनहेल स्ट्रेच, अच्छा स्ट्रेच कीजिए, एक्सेल। घुटने के दर्द के लिए रामबाण उपाय बता रहा हूँ आपको, ये दवाई की तरह इसको यूज कीजिए, रोज 10-20 बार कीजिए, जिसके भी नी पेन है। अगेन इनहेल, सांस लीजिए, पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए और सांस छोड़ दीजिए। आप देखिए घुटने के नीचे बहुत दर्द है, इनहेल एक्सेल, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए,
सांस छोड़ दीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल ओवर। ये आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसी का दूसरा भाग है, सो मेक अ बिग सर्किल विथ योर फीट। पैर को ऐसे ही लॉक कर लीजिए चेस्ट के साथ, एक सांस लेते हुए लेफ्ट से उठाइए और सांस छोड़ते हुए राइट से वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और रिवर्स रिवर्स उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ओवर। रिलैक्स, सेम एक्सरसाइज विथ लेफ्ट लेग। यस, लेफ्ट लेग को भी लॉक कर दीजिए चेस्ट के साथ। इनहेल, लंबा गहरा सांस लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, अगेन सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। यस, इनहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9, इनहेल, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। नाउ मेक अ सर्किल विथ योर लेफ्ट फीट। यस, इनहेल 1, 2, इनहेल 3, इनहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, 8, 9 एंड रिवर्स। इनहेल 10, 9, 8, 7, 6, स्माइल प्लीज, 5, 4, 3, 2, 1 एंड ओवर। वेरी गुड। पैरों को सीधा कर लीजिए, फोल्ड योर राइट लेग, कीप ऑन योर लेफ्ट थाई, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पे रख लीजिए, बाएं हाथ की उंगलियों को पैर की उंगलियों के साथ ऐसे फंसा दीजिए, इंटरलॉक कर दीजिए। नी पेन के लिए ये भी एक रामबाण इलाज है अपने आप में, है ना, खाली उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके बैठेंगे ना तो भी आपके नी पेन में बहुत रिलीफ होता है, ठीक है। नाउ रोटेट योर एंकल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्रेस योर टोस डाउन, प्रेस योर टोस अप। ये उंगलियों को भी आगे पीछे मोड़ने से भी नी पेन में बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। नाउ प्रेस योर नी डाउन विद एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड अ हाफ बटरफ्लाई। ये जो घुटने को आप ऊपर नीचे दबा रहे थे ना, ये भी नी पेन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, है ना, नी पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको भी 10, 20, 25 बार रोज कर लिया करिए, नी पेन, थाई पेन और हिप ज्वाइंट को भी है फ्लेक्सिबल बनाता है। ओके, चेंज योर लेग,
होल्ड योर लेफ्ट लेग, कीप ऑन योर राइट थाई, अगेन इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, रोटेट योर एंकल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and over. Yes, press your toes down, press your toes up, ठीक है, press your knee down, exhale, inhale, exhale, inhale, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, exhale, inhale, and a half butterfly. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 10. Very good, butterfly. ये तो गजब का एक्सरसाइज है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज आपके नी के लिए, लेकिन नी में ज़्यादा पेन है तो ज़्यादा नहीं मोड़ना है, है ना, बट ये नी में जो गैप कम हो जाता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है, गैप ज़्यादा है तो नहीं करना, गैप कम है तो आराम से कर सकते, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, सामने देखते हुए कीजिए, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. प्रेगनेंसी में भी ये दिन में 3-4 बार रोज करना चाहिए, तो आप लोगों के सगे संबंधी या दोस्त मित्र जान पहचान वाले जो भी बच्चे होंगे, है ना, जो नॉर्मल डिलीवरी चाहते होंगे, उनको बोलिए दिन भर में 2-3-4 बार तो ये करो ही करो, जितना हो सके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, 10 बार कर सको 10 बार करो, 25 बार कर सको 25 बार, और अगर 50 बार कर लेते हो तो बहुत सुंदर है, ओके, ओम। तो कैसा लगा मित्रों ये वीडियो आप लोगों को, जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, उपयोगी लगे तो शेयर कीजिएगा, और फिर से एक बार अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।